हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 10 अक्टूबर तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कचरा महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में की राजधानी रायपुर में हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। यहाँ पे नेक्स्ट है, इथेन का फॉर्मूला क्या है? तो इथेन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा C2H6, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के सीएम पूछा गया था, तो योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे राइट आंसर। और अरुणाचल प्रदेश के भी सीएम पूछे गए थे, ये देखिए अलग अलग शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में नहीं पूछे गए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हो जाएंगे पेमा खांडू, राइट आंसर हो जाएगा। न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा? ये पहले भी आ चुका है, अमरावती, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब दोबारा से आपके रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं, और सीएम गवर्नर ये चीज़ें अब दोबारा से पूछी जाने लगी है। ये चीज़ें शुरू में पूछी गई थी, बीच में फिर बंद हो गई थी, अब दोबारा से पूछी जाने लगी हैं। ठीक है, न्यू कैपिटल होगी अमरावती। और नेक्स्ट आपका सीएम ऑफ पंजाब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आपका पूछा गया था सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तो मैंने तीनों वीडियो बना चुका हूँ रिपीटेड क्वेश्चंस की, जितने भी सारे क्वेश्चंस अभी तक आपके पूछे गए हैं, जीके की भी, मैथ की भी और रीजनिंग की भी। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं भाई आज के, तो जितने भी मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? AR रहमान, राइट आंसर हो जाएगा। 2017 का IPL विनर टीम कौन सी रही थी? तो मुंबई इंडियंस, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, हिमालय रेंज के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को क्या कहते हैं? तो अगर आपको पता होगा तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, रुस्तम फिल्म में एक्टर का रोल किसने किया था? तो अक्षय कुमार, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका शायद पहले आ चुका है। ठीक है, पद्म श्री अवार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? तो एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पता है क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो बस आप इतना ही पता चला है कि पद्म श्री अवार्ड से डेली एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश के भी सीएम, आज देखिए सीएम बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो जयराम ठाकुर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका, सबसे ज़्यादा केसर किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये तीनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन हैं, तो इसमें अब ये बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमारी शिफ्ट में नहीं था, तो वो तीनों शिफ्ट के हैं, तो आप देख लीजिएगा आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो उसी शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं है, जितने भी मिले हैं बस वही लेके आऊँ, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, फिजिक्स के आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, DNA से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? DNA और RNA से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? एक आपका देखिए फिजिक्स से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल यही पता था कि न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो मैंने अपना वैसे लिख के आपको बता दिया। ठीक है, टॉयलेट एक प्रेम कथा का हीरो कौन था? ये भी आपका अक्षय कुमार, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, सिंबल ऑफ ग्रेविटेशन आपका हो जाएगा ये G, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था, गांधी इरविन पैक्ट, ये गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। शिक्षा अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कोई क्वेश्चन था? एग्जैक्ट नहीं पता है। PN प्रकाश किस खेल से संबंधित है? तो आपका शूटिंग हो जाएगा, राइट आंसर। 2G घोटाले का वकील कौन है? सार मेहता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका पूछा गया था। वॉलमार्ट ने आपका फ्लिपकार्ट को कितने में खरीदा? तो $16 अरब में खरीदा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए एक थाईलैंड की करेंसी से भी क्वेश्चन था, तो थाई बट, राइट आंसर हो जाएगा, थाई बात, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड की करेंसी काइनेटिक एनर्जी से मतलब आपका डेली तो नहीं कह सकते, बट हाँ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे पूछा गया था, तो नंबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर 13। और देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बतानी भूल गया, ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक बच्चे ने भेजे हैं जिनका नाम है नाम उनका ज्ञान है। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि मेरा नाम बोलना, इसलिए उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन
भेजे हैं तो मैं भूल गया था, तो यहाँ अभी बोल देता हूँ क्योंकि इससे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बच्चों को क्वेश्चन भेजने का। तो जो भी क्वेश्चन भेजेगा कल से भी, अगर आपका कल एग्जाम होगा तो मैं आपका डेफिनेटली नाम लूँगा शुरू में, ठीक है वीडियो के। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भेजने की कोशिश करें, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ क्वेश्चन भेज सकते हैं। देखिए आपका मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था कि ई आपका इस तरीके से बना हुआ था, उसमें दो इस तरीके से टिक भी लगे हुए थे, उसकी मिरर इमेज आपसे पूछी गई थी। तो कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन है, कैसे मैंने बता रखा जैसे भी आपको। देखिए ई बना हुआ है ना आपका, ठीक है, ई का पोर्शन ये मिरर हो गया, मिरर की साइड में ई खुला हुआ पोर्शन ये है, तो यहाँ पे आपको खुला हुआ पोर्शन को इसी तरीके से बना देना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ये आपका ब्लैक डॉट लगी हुई है वहीं पे आप वो ब्लैक डॉट रख देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे था, ये यहीं पे रख देंगे, ये यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका वाटर इमेज से, ठीक है, वाटर इमेज का आपका कुछ था एम एन ओ ए इस तरीके से आपका रखा हुआ था, तो इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। तो देखिए एम है, यही है मतलब कि जो चीज़ें पास में होती है। देखिए अगर एम की मैं बात करूँ तो एम का कौन सा पोर्शन मिरर के पास में है, यानी कि जल के पास में है, वाटर इमेज है ना, तो जल के पास में कौन सा पोर्शन है, एम का नीचे का पोर्शन है खुला हुआ, ठीक है, तो ये नीचे का पोर्शन एम मिरर के पास में ही रहना चाहिए। ऐसे ही आपका एन का है तो एन का भी वैसे बनाएंगे, ओ है तो ओ का तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ऐसे ए का भी हम बनाएंगे, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका वैन डायग्राम का, कार बस और परिवहन, तो कार और बस दोनों के दोनों देखिए अलग अलग चीज़ है, बट दोनों के दोनों परिवहन है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब इसी में यूज होते हैं, तो एक कुछ इस तरीके का आपका वैन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। एक था आपका देखिए सीरीज से क्वेश्चन 8, 13, 18, 23, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना था क्या आएगा, और 33, 38 लिखा था, तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, +5, +5, +5 करते जाना है, तो आपका राइट आंसर 28 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें 8 में प्लस 5 करेंगे तो 13, प्लस 5 करेंगे तो 18, प्लस 5 करेंगे 23, प्लस 5 करेंगे तो 28, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक आपका देखिए ई ज्योति आपको पता होगा, ये आपको बताना था लास्ट वाला, तो यहाँ पे ई आपका 5वें पे आता है, ठीक है, 5, 10, 15, 20 और ये 25 पे आता है, ठीक है। तो ई ज्योति का एक याद करने का भी वो है हमारा कि ई ज्योति जो लिखा होता है इसमें होता है कि ई 5वें पे आता है, ठीक है, फिर जे 10वें पे आता है, फिर 15 पे, यानी कि 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3, 15, 5 × 20, 5 × 5, 25। तो यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन था ओड वन आउट से कि सभी क्रिकेटर के नाम दिए थे, एक उसमें क्रिकेटर का नाम नहीं था, उसमें पूछा था कि इनमें से भिन्न कौन सा होगा। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता चला है, तो यहाँ पे देखिए क्रिकेटर के नाम मैंने लिख लिया, विराट कोहली होगा, एम एस धोनी होगा, सचिन तेंदुलकर हो गया, और एक में आपका क्रिकेटर का नाम नहीं था, किसी और का था, ठीक है, तो वो या तो किसी हीरो का हो सकता है या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी का हो सकता है, बट वही आपका ओड वन आउट हो जाता, ठीक है, वही आपका भिन्न हो जाता, तो अक्षय कुमार मान लीजिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एग्जैक्ट फॉर्म में क्वेश्चन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चंस भेजते हैं वो आइडिया तो बता देते हैं क्वेश्चंस का, बिल्कुल लैंग्वेज नहीं याद रख पाते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑनलाइन पेपर आप सभी को पता है, इतने तो आप सभी समझदार हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कथन है यहाँ पे, कुछ पेंट सूती हैं और कुछ निशान पेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, देखिए पैंट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सूती हो जाएगी, तो इस तरीके से कुछ पैंट सूती है और कुछ निशान जो है, निशान ये पैंट है, तो आपका निशान हमने इस तरीके से बना लिया, कुछ निशान आपके पैंट हो गए, तो ये आपका कंफर्म हो गया, ठीक है, ये इस तरीके का वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ के देखते हैं, निष्कर्ष में क्या क्या दिया गया है। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है सभी पैंट निशान है, तो सभी पैंट तो निशान नहीं हो सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि निशान ये है, ठीक है, और पैंट ये है, तो सभी पैंट निशान हो सकते हैं, क्योंकि कुछ की तो बात की गई है, सभी की नहीं की गई है, तो इसको हम कट कर देंगे, राइट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका 2 है सभी सूती कपड़े निशान है, सभी सूती कपड़े निशान है, ठीक है, यहाँ पे कपड़े भी आ गया, कोई बात नहीं, एक तो पहली दो बात ये वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूती निशान और आपका पैंट की बात की गई है, कपड़े की बात नहीं की गई है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सभी सूती कपड़े निशान है, तो यहाँ पे सूती अगर बात की जाए, सूती और निशान के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया, तो सभी के सभी तो वैसे भी नहीं हो सकते, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, एक था आपका ब्लड रिलेशन से कुछ इस तरीके से, अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई, देखिए अगर अंजलि की बहन का भाई होगा तो ये भाई उसका भी तो होगा ना अंजलि का, ठीक है, तो अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का
भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब वो भाई की बात की जा रही है, वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई हो जाएगा राइट आंसर सीधा सीधा सा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा रहे हैं डेली, कभी आंटी, कभी बुआ, कभी चाचा, कभी ताऊ, इसी तरीके से कुछ ना कुछ पॉइंट करके पूछ ले जाता है कि वह किसी फोटो की तरफ कोई इशारा करते हुए कहती है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके डेली एक तो जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि कुछ अभिनेता गायक है और सभी गायक नर्तक है, ठीक है। तो कुछ अभिनेता गायक है, देखिए अभिनेता आपके ये हो गया, ठीक है, और कुछ अभिनेता गायक यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि सभी गायक नर्तक है, तो ये गायक हैं और सभी के सभी गायक नर्तक हैं, ये आपका इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे फिर क्या बोला जा रहा है, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, तो कुछ अभिनेता जो हैं, देखिए अभिनेता और नर्तक के बीच में अगर कुछ रिलेशन है तो कुछ वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला जाए कोई गायक अभिनेता नहीं है, तो देखिए जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और आपका कंक्लूजन नेगेटिव दिया होता है तो उसको तो आप रोंग कर ही देंगे, उसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, बाकी रोंग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से था कि 108 का यानी कि ऑफ 50% ऑफ 25% क्या होगा। तो जब भी इस तरीके से आपकी कोई वैल्यूज दी होती है तो इसमें आपको सीधा सीधा क्या देखना है, देखिए 108 का 50% का 25% कितना होगा। तो यहाँ पे 108 आप निकालेंगे अगर 50%, तो कैसे निकालेंगे, 108 गुना 50/100 इस तरीके से निकालेंगे, फिर इसका जो भी आएगा उसका 25। तो हमें इसका निकालेंगे क्यों, हम डायरेक्टली लिख देंगे ना 25/100, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो इसको बस सोल्व करना है, ठीक है। जैसे अभी देखिए 50 से कट जाएगा 100 दो बार और 25 से कट जाएगा 100 चार बार, तो ये कट गया। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 से ये कट जाएगा 54 बार और फिर 54 को हम 4 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13.5, ये राइट आंसर हो जाएगा, 13.5 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन ये था कि एग्जैक्ट तो नहीं पता, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन था क्या, बट इसमें कुछ ये दिया गया था कि कोई ट्रेन 5 घंटे में 300 किलोमीटर की चलती है, अगर चाल को 55 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो कितना समय लगेगा, या फिर ये पूछा गया था कि कितना एक्स्ट्रा समय लगेगा, कितना ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 300 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में कवर कर लेते हैं, अगर मैं इसकी चाल निकालूँ तो 300 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, वैसे चाल की ज़रूरत नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 × 6 = 30 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसने कवर किया, तो 5 घंटे में कवर कर लिया गया। अगर चाल को 55 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा सी बात है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की बात की जा रही है, तो 300 को 55 से हम भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.45, यानी कि 45 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है, अगर मैं 5 घंटे में कवर किया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, अगर मैं स्पीड को 55 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता हूँ यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता हूँ तो 45 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, या तो यही पूछा गया था कि 45 कितना एक्स्ट्रा लगेगा तो 45 मिनट लगेगी, या फिर ये पूछा गया था कितना समय लगेगा जब 55 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे, तो सीधा सीधा सा आपका 5.45 यानी कि 5 घंटे 45 मिनट लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका कि 8,000 का 2 साल का रेट है 4% CI बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, 8,000 का आपको 4% निकालना, 320 आ गया, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट ईयर में जो निकल के आता है आप सभी को पता है वो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। सिंपल में तो आपका फिक्स ही हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं अगर 2 साल का पूछा जाता है बस इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट यहाँ पे बात की जा रही है कंपाउंड की। कंपाउंड में इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो ये 320 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपका जो 320 है इस पर भी 4% हम निकालेंगे तो 12.8 आ जाएगा, तो इन सभी को प्लस कर लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 652.8 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। अब शिफ्ट में नहीं पता किस शिफ्ट में पूछा गया था, एक क्वेश्चन देखिए बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये पाइप एंड टंकी का, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर देता है, बी पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है और सी पाइप उसे 8 घंटे में खाली कर देता है। यहाँ पे बोला गया कि शुरुआत में 1 घंटा पहले 2 पाइप चलाए जाएंगे, उसके बाद में तीनों पाइप को खोल दिया जाएगा, तो बचे हुए पानी को कितने समय में भर लिया जाएगा। यानी कि जब 1 घंटा चलेंगे पहले 2 पाइप तो जितना पानी बचेगा, ये दोनों पाइप कुछ ना कुछ तो भर लेंगे, तो इनके भरने के बाद जितना पानी बचेगा उसको कितनी देर में भर लिया जाएगा जब तीनों पाइप खोल दिए जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, वो मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर हो सकता है क्या हो सकता है। यहाँ पे इन सभी का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24। अब 24 को आपको क्या करना है,
सभी को इनसे डिवाइड कर देना, ठीक है। ये इसको 4 घंटे में भर देता है ना, तो 24 को 4 से भाग करेंगे तो 6 आ गया, यानी कि ए 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भरता है। 24 को 6 से भाग करेंगे तो बी 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है। 24 को 8 से भाग करेंगे तो सी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि ए और बी 1 घंटा शुरुआत में चलेंगे, तो 6 और 4 10, यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर सकते हैं, सॉरी 10 यूनिट पानी भर सकते हैं। तो ये 10 यूनिट पानी हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 घंटा तो इन्होंने चल के भर दिया, तो बचा कितना, 14 यूनिट पानी। अब 14 यूनिट पानी में सी पाइप को भी खोल दिया जा रहा है, ठीक है। इसको भरेंगे जब, तो इसमें सी पाइप भी खुला होगा, और सी पाइप कौन सा है, सी पाइप है निकालने वाला। तो यहाँ पे 6 4 10 10 यूनिट पानी जाएगा 1 घंटे में, और उसी घंटे में 3 यूनिट पानी निकल जाएगा, यानी कि कुल मिला के 7 यूनिट पानी ही टैंक में पहुँच पाएगा। तो अब पूछा है 14 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 14 को 7 से भाग कर देंगे, 2 घंटे लग जाएंगे इसको भरने में। तो इस तरीके का भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2R, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, किसी चीज़ को 869 में 869 रुपीज़ में बेचने पर 16% का लॉस होता है, तो 994 में 994 में बेचने पर कितना लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पे लॉस की ही बात की जा रही है दोनों साइड में, तो 869 में बेचते हैं तो 16% का लॉस, तो पूछा है 994 में बेचा जाएगा तो कितने का लॉस होगा। तो देखिए हमें पता चल गया कि 869 जो है वो 16% लॉस की वैल्यू है, तो 16% लॉस की वैल्यू, इसका मतलब 100 में से हम 16% लॉस माइनस कर देंगे, बचेगा कितना आपका, 869 को 84 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 100 में से 16 को माइनस कर देंगे, तो आपको जब इससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी सीपी आ जाएगी, यानी कि उसकी लागत क्या थी। तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 1034 आ गया, 1034 जो आपका आया है ये उसकी लागत आ गई, यानी कि इतने की चीज़ को हमने 869 में बेचा तो 16% का लॉस हो गया, और जब इसी चीज़ को हम 994 में बेचेंगे तो कितना लॉस होगा, तो आप माइनस कर लीजिए ना, 1034 को 994 से माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब ये 40 का लॉस हो रहा है, अब लॉस किस पे निकलता है आपका, सीपी पे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों सीपी पे निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 अपॉन में सीपी हमारी कितनी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस लागत क्रय मूल्य कितना है 1034, तो 40 अपॉन में 1034 करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.86% आपका लॉस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को आप 15% के लॉस पर बेचते हैं और किसी उसी वस्तु को आप 10% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप किसी वस्तु को 15% के लॉस पर बेचते हैं, फिर 150 रुपये बढ़ाकर बेचते हैं, तो उस पर 10% का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस लागत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले चीज़ को कितने में बेचा जा रहा था, 15% के लॉस में, फिर उसके बाद 10% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सबसे पहले तो अपने लॉस को रिकवर किया, उसके बाद में 10% का प्रॉफिट भी कमा लिया, और चीज़ कितने में एक्स्ट्रा में बेची, 150 में, यानी कि सारा कमाल जो हुआ है लॉस से बढ़कर के प्रॉफिट का, ये सारा इस 150 रुपये की वजह से हुआ है। ये जो 150 रुपये बढ़ा के बेचे गए हैं, ठीक है, तो इसी की वजह से हुआ है ना ये लॉस से प्रॉफिट में। तो ये आप जोड़ लीजिए कि सबसे पहले तो हमने 15% अपने लॉस भी कवर कर लिए, फिर उसके बाद 10% प्रॉफिट भी कमाना स्टार्ट कर दिया, और किसकी वजह से, इस 150 की वजह से। तो 25% बराबर कितना हो जाएगा, 150, तो 150 को 25 से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा गया सीपी क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट लागत जो कि 100% होती है हमारी। तो 25 से 150 कट जाएगा 6 बार, 6 की 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा सीपी आपका 600, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टॉपिक की, तो देखिए टॉपिक की तो अगर बात मैं करूँ तो आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, CISI से आज क्वेश्चन दोनों से ही देखने को मिले हैं, ठीक है। CICI लिख दिया मैंने, सॉरी, CI और SI, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, परसेंटेज से देखने को मिल रहे हैं, डिस्टेंस स्पीड टाइम से देखने को मिल रहे हैं, मेंसुरेशन एवरेज से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और आपका देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आज था, एक बच्चे ने बताया कि ग्राफ वाला क्वेश्चन भी है, तो देख के जाना है, वेन डायग्राम वाले हो गए, ठीक है, सॉरी वेन डायग्राम वाले बोल रहा हूँ, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए, एक तो आपके ग्राफ वाले ये होते हैं, ठीक है, और एक आपका होता है ये वाले जो जिनमें आपको एक सर्कल दिया होता है, सर्कल में दे दिया जाता है कि 20% प्रॉफिट हो गया, 10% लॉस हो गया, 5% किसी कंपनी को दे दिया, कुछ इस तरीके से जितने भी होते हैं बार वाले, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको भी देख के जाइए एक बार, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मुझे इसको कैसे करना है।
मेंसुरेशन एवरेज और टिग्नोमेट्री से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और एज से भी आपका क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। बाकी रेशो हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, कुछ कुछ और भी चैप्टर्स हैं जिनको आपको देख के जाना चाहिए। बाकी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पोर्ट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, इनसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। लगातार तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं किसी भी चैप्टर से, कभी कभी आज पूछ लिया गया तो कल उससे ना पूछे जाए, बट आपका ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए सभी चैप्टर के बारे में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वेन डायग्राम से डेली आपका क्वेश्चंस है, इस लोग से आपके क्वेश्चन है, वोटर मिरर इमेज से भी क्वेश्चन है। देखिए तीनों चारों चैप्टर जो मैंने बोले अभी तक ये डेली आपके रिपीट हो रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत भी नहीं करके आएंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। सीरीज से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से है, काउंटिंग फिगर से आपका डेली एक क्वेश्चन है, डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट नहीं है, आराम से आप करके आ जाएंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं सारे रियल हैं, इनके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं, बता भी सकते हैं और बहुत सारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे हैं, मतलब ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे मिली जाएगी, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टॉपिक स्टडी सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज ही नहीं करते हैं तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी पीडीएफ आपको डेली मिलती रहती है। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि लाइव क्लासेस मिलेंगी जल्दी आपको सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, तो अपने सभी दोस्तों को भी बताते रहिए और आपको 2-4 दिन में लाइव क्लासेस देखने को मिली जाएंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वीडियोस मुझे भी पता है बहुत कम मैं आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, क्योंकि अकेला हूँ सारा काम करने के लिए, तो इसलिए जितना भी टाइम मिल पाता है आपके लिए पेपर एनालिसिस और जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर पाता हूँ, जैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोज़ होगी, बस आप उनको देखते रहा करें, क्योंकि जितने भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है। और एक देखिए बहुत ही खुशी की बात यह है कि आज 5-6 बच्चों ने मुझे ये बोला है कि रीजनिंग डिट्टो जितनी आपने पढ़ाई थी उसमें से बिल्कुल आया, और मैथ भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जितना मैंने आपके लिए मतलब मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, तो बस आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, ठीक है। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।